बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ इस सोनीपत में जीत होगी। बहुत ही भारी उत्साह जोश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का, जो पूरे नए भारत का निर्माण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका प्रभाव प्रत्येक आदमी के दिल और दिमाग में है। और उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने संकल्प कर लिया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसी भाव के साथ जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह से आपकी पार्टी का विरोध हो रहा है, लोगों के बीच में जब प्रत्याशी जाते हैं लोग ना जो है गुस्सा दिख रहे, तो जनता जो है वो अपना फैसला जो है अब इसे सुना चुकी है। जनता कहीं भी कोई भी गुस्सा नहीं दिखाती है। कोई कोई किसी गाँव में कोई काम को लेकर किसी व्यक्ति का कोई बात होती है, और आज तक किसी भी गाँव में कोई भी विरोध नहीं हुआ। कुछ किसान यूनियन की जो मांग थी उनको तुरंत समाधान किया। नारा गांव की किसान यूनियन का गांव की चौपाल में बैठ के हमने समाधान किया है। तीन मंडियों का मामला आया था, गांव की फरमाना की चौपाल में बैठ के उसका समाधान किया है। और अभी 1000 किसानों को 2 दिन पहले सोनीपत का जो बीमा कंपनी ने इंश्योरेंस किया था उनका पैसा नहीं मिला था। बाई नेम उनका टेलीफोन नंबर के साथ हमने लिस्ट जारी की है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वे तुरंत अपने कागज जमा करा दें। सबका पैसा सबको मिलेगा। गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों का सम्मान किया है, युवाओं का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और जो हमारे विचार है उसको हमने मजबूती के साथ जनता में एक सेवक की भूमिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया है। और डबल इंजन की सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ जनता का जो सेवा करने का मन बनाकर काम किया है, देश की जनता उससे खुश है। सर, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी जो था वो नाम बता दिया था, कांग्रेस ने परसों ही लिस्ट निकाली है, और आपके सोनीपत से जिनको टिकट मिली है कांग्रेस से, कहीं ना कहीं वो भी मामला है। कि आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोटर्स को बांटने की कोशिश जो है वो की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, एक सिद्धांत की पार्टी है, और राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद ये तो बहुत छोटी चीज़ है, और हम कभी भी छोटी चीज़ों में जाते हम ना जातिवाद में जाते। और वो एक कांग्रेस की विचारधारा का उम्मीदवार है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का आदमी हूँ, और मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। मैं उसी बात को सोच के जनता के बीच में जाऊँगा, मैं जातिवाद की बात करूँगा भी नहीं, छेड़ूंगा भी नहीं। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको विश्वास है कि जनता आपको वोट जरूर देगी? भारतीय जनता पार्टी के जो नई भारत का निर्माण, जो विकसित भारत का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे विश्व में भारत के गौरव को और 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आदर और सम्मान करते हुए देश को नई दिशा और दशा, देश में नए विकास के रास्ते जो बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मुझे लगता है यही हमारे मुद्दे हैं और इसी पर हम आगे सफल होंगे। सर, जिस समय से कुछ समय पहले जिस तरह से हरियाणा के सीएम बदले गए, विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि वो पंजाब की तरह उन्हें हरियाणा में चन्नी जो है वो एक मुखौटा लगा रख दिया गया, सरकार जो है वो भी मनोहर लाल जी ही चला रहे हैं। ये इस प्रकार का जो दुष्प्रचार कांग्रेस के लोग करते हैं, और कांग्रेस के नेता अपने किसी मंडल अध्यक्ष को बदल के देख लें, किसी जिला के अध्यक्ष को बदल दें, और इन्होंने तो ऐसा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कभी उनकी टीम का गठन नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें मोदी है तो मुमकिन है, और हम विचार को लेकर चले। कितनी आसानी के साथ हरियाणा के लोकप्रिय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने कुछ ही घंटों में अपने एक साधारण से कार्यकर्ता को, किसान परिवार के कार्यकर्ता को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से शब्द दिलवाने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, और खुशी खुशी आपने मीडिया वालों ने दिखा, उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की शिकर नहीं थी। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस सादगी के साथ काम किया, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहले ही कहा था कि हमारे प्रदेश के 3,46,000 पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता, किसी भी पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता को अगर पार्टी मुख्यमंत्री बनाने का आदेश करेगी तो वो भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। सर, आपको क्या लगता है क्या कारण है जो कांग्रेस की लिस्ट आने में इतना समय लग गया? ये कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की विचारधारा, नेतृत्वहीन जो कांग्रेस पार्टी, उनका नेतृत्वहीन है, और कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, और यही कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ धोखा किया है, इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है,
ये जो पाप उनके सिर पर है, इसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी की ये दिशा बनी है और कांग्रेस मुक्त भारत अब के 2024 के चुनाव में होगा। सर कितना भरोसा मोहनलाल बड़ोली जी को अपनी जनता पे है, अपनी सोनीपत की राय के लोगों पे है, सोनीपत के लोगों पे है कि वो आपको जो है पूरा मत दिलाएंगे? सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा हैं और 3 विधानसभा जींद जिले की हैं, 6 सोनीपत जिले की हैं। 9 की 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की होगी, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों की होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है इस देश को विकसित भारत बनाने का, ये उस संकल्प की जीत होगी, ये जनता की जीत होगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ सोनीपत की जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। 400 पार का जो नारा दिया गया मोदी जी द्वारा, वो यहाँ पे जो कितने लोग हैं वो इस बात से सहमत कराएंगे? 100% लोग इस बात से सहमत हैं, 100% लोग चौपाड़ में पूरा मन के साथ हाथ खड़े करके समर्थन करते हैं और लोगों ने निश्चय कर लिया, लोगों ने संकल्प कर लिया और लोगों का संकल्प पूरा होगा। जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन है इसलिए हम सेवक के तौर पर उनके बीच में रहने वाले हैं। तो ये थे मासा मोहनलाल बड़ोली जी, उनका कहना है कि जो नारा मोदी जी द्वारा दिया गया है 400 पार का, वो जरूर पूरा होगा और इस बार हरियाणा में 10 की 10 सीट जो है वो बीजेपी जीत के लाएगी। मैं आपके साथ शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, सोनीपत। बहुत ही बड़े मार्जन के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ इस सोनीपत में जीत होगी। बहुत ही भारी उत्साह जोश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का, जो पूरे नए भारत का निर्माण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका प्रभाव प्रत्येक आदमी के दिल और दिमाग में है और उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने संकल्प कर लिया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है।